सीए लागू होने के बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं इससे पहले सीए को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही थी, कहीं कागज दिखाने की बातें बोली जा रही थी तो कहीं मुसलमानों को देश से निकालने की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य जिलों के साथ पहले हिंसा की चपेट में आ चुके जिलों में दंगा निरोधक दस्ते व पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। पिछले हफ्ते ही संदर्भ में पुलिस ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि आज से ही रमजान का महीना भी शुरू हो गया है, और जब हमारे रिपोर्टर ने मुस्लिमों के बीच जाकर उनसे सीए को लेकर बातचीत की तो आप देखिए कि उन्होंने क्या कुछ बोला। सीए को देखो जी, जो नागरिकता है जो इनकी, उनको तो देखना पड़ेगा। जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, और तभी गवर्नमेंट उनको लाइक करेगी। प्रूफ नहीं, जो 2014 के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से यहाँ पे लोग आए थे उनको अब नागरिकता दी गई है कि अब वो भारत के नागरिक है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी सीए से, ये प्रधानमंत्री का कहना है। अच्छा, ये तो ठीक बात है कि चलो सही है, जब नागरिकता दी जाएगी उनको तो फिर तो इसी हिंदुस्तान के वासी होंगे वे, ठीक है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों को डराने के लिए सीए को लागू किया गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सभी हैंगे इसमें, जब दोनों ही फिर के होंगे, हिंदू भी होंगे मुसलमान भी होंगे जो बाहर से आए, ये ठीक है अपना करो, इंक्वायरी होनी चाहिए वैसे सबकी। वैसी जी कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, चुनाव में वोट पाने के लिए मोदी जी ने इलेक्शन से पहले सीए को लागू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनना है वो उसको ही चुनेगा, वो वैसी जी जो मर्जी का हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं होनी। वो दूसरे देश, असल में बात यह है जो बाहर के आदमी रह रहे उनको तो नागरिकता दिखानी पड़ेगी, मगर सरकार ने इस टाइम जो ये किया है ये पॉलिटिक्स है। अब जो इसको लागू किया है सीए का, ये कोई टाइम नहीं है क्योंकि चुनाव तैयार है, ये तो सरकार अपना वोट बुलाने वाला काम है। अच्छा, विपक्ष लगातार कह रहा है ये सरकार सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए ये सब कर रही है। देखो, ये तो फिलहाल तो जो है देखो वोट की राजनीति है ये, इस टाइम तो हमारी तो समझ में यही बात आ रही है। अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमानों को निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी ये फिलहाल जो इन्होंने इस टाइम लागू किया है ये वोट की राजनीति है, और सिर्फ हिंदू लोगों को एकजुटता करने का एक इनका हुआ है बस। मोदी जी कह रहे हैं जो देश का मुसलमान है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से, जो देश का नागरिक है वो नागरिक रहेगा, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये तो खैर आगे का टाइम बताएगा, बाकी ऐसा नहीं है कि देश में, भारत हमारा, हम रह रहे हैं यहाँ, जब हमारे बड़े रह रहे हैं तो हम भी रह रहे हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। देखो, ये तो होना ही था, गवर्नमेंट का ये पहले से प्लान था, 5 साल पहले का है, लेकिन इस टाइम आके इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने ये मुद्दा पहुँचा के रख रखा था, तो अब ये इलेक्शन की वजह से इन्होंने लागू किया है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सीए इसलिए लागू किया गया है कि मुस्लिमों को डराया जाए, धमकाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान क्यों डरेगा, हम तो यहाँ से बचपन से, मतलब हमारे बड़े रहते आ रहे हैं, तो हम क्यों डरेंगे, जो होना है वो सबके साथ होगा, हमारे साथ कोई अलग थोड़ी होगा, और मुसलमान के साथ कोई गलत नहीं होना है। तो काम कही जो है विपक्ष उल्टे सीधे बयानबाजी देंगे, सिर्फ वोट की राजनीति है, वही कहना कि विपक्ष अपने पक्ष में करना चाहता है, ये अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, सीए को क्या मानते हैं, सीए क्या है आप बताएंगे? सीए तो यह है कि अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी हमें यहाँ, ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान जहाँ से भी आए हुए, उन्हें अपना दिखाना पड़ेगा कि ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम इन्हें जो है यहाँ की नागरिकता दें, तो इससे घबराने की क्या ज़रूरत है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा, कुछ सोशल मीडिया पे भी लगातार तमाम बयानबाजी हो रही है कि मुस्लिमों के हित का फैसला नहीं है, मुस्लिमों के हित को लेके नहीं ये फैसला लिया गया है। विपक्ष के पास इस टाइम कोई मुद्दा नहीं है, वो तो इस बात को, वो तो और खुश हो रहे होंगे कि मोदी जी ने जो ये लागू करा, तो खुश हो रहे हैं कि हमें एक मुद्दा और मिल गया है, जो होगा वो देखी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है, जो होना है सबके साथ हुआ। ऐसा है जी, सी ए वही तो है जो नागरिकता संशोधन कानून, अच्छा
पर जो कर दिया ठीक है, अब उसमें क्या है जैसा होगा देखी जाएगी। और इस विपक्ष है लगातार कह रहा है ये सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए सीए को लागू किया है और मुसलमानों को सता रही है ये सरकार, विपक्ष लगातार ये बोल रहा है। देखो जी गवर्नमेंट के कुछ काम जो है वो बढ़िया नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये सीए ही है इसे ही समझ लो आप, इसकी क्या ज़रूरत थी लगाने की, कुछ लोगों को अंदर ला रहे हैं, कुछ लोगों को क्या नाम परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या बात है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो विपक्ष भी अपनी जगह सही है और गवर्नमेंट का तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाह रही, कुछ भी कर दे क्या कहेंगे बताओ। किस भाई जो इस तरह के कागजात ये मांगे अगर आदमी पे ना हो पुराने ज़माने के, हाँ है नहीं, अब बढ़ोगे तो इसके बारे में दिक्कत होगी आदमी को। हाँ, आपको किसने कहा कि कागजात मांगे जाएंगे? पहले पहले अब कुछ रूल बदल गया, पहले कुछ रूल और था। अच्छा, अब उसके बारे में क्या रूल मुझे पूरी तरह मालूम नहीं है इस बारे में। अच्छा, विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सीए लागू किया गया चुनावी लाभ के लिए और ये मुसलमानों को सताया जा रहा है देश में। तो जो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी है, मतलब जो मजहबी रूल है वो लागू रहना चाहिए ना मुसलमानों के, बस इस तरह। तो मजहब की कोई बात ही नहीं रहे, मोदी जी का कहना है कि जो देश के नागरिक है नागरिक, इसमें तो कोई मजहब ठीक है सीए में, वो तो देश की बात है। मगर और जो है जैसे और जो कानून बना रहे तुम्हारा यूसीसी वगैरह, हाँ उसमें तो है ना कि कोई मजहब जिस तरह हमारा मजहब कह रहा है इस तरह हमें चलना पड़े, हमें चलना चाहिए और उसके खिलाफ है।